हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए अपनी पहले गई। आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से झकास तरीके से कर रहे हो बेटा। ये प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। अभी जो प्रीवियस ईयर थोड़ा थोड़े क्वेश्चन बच गए थे ना, वो उन्हीं का अंतिम पड़ाव फिर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। इसके बाद अगर बेटा कोई सेट होगा तो आपका इसका आएगा, वरना हम लोग हाइजर डिस्टेंस के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको यहाँ पर करेंगे। अभी मैं ऑफिशियली इस टॉपिक को बंद करने की सलाह नहीं दूंगा। जब मान लो जैसे मैं कल पढ़ रहा हूँगा, मुझे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो मैं अभी यहाँ पर करा दूंगा। ठीक बेटा, मैं यहाँ अब उसके क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर है, जैसे यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले अपने हम क्वेश्चन की ओर यहाँ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस का सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। फिर इसकी वैल्यू हमको बताना है। ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इधर क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू हमको दे रखा है ये सेक स्क्वायर बी दे रखा है, माइनस कितना जाएगा ये हमारा ये सेक स्क्वायर ए इंटू हमको ये टेन स्क्वायर बी यहाँ पर बेटा दे रखा है। अब देखो इसका सॉल्व कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, एक को चेंज कर लो। हम क्या करेंगे यहाँ पर, टेन को चेंज कर दे, टेन को ऐसे रखते हैं, टेन स्क्वायर ऐसे रहेगा। देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बेटा आपकी पूरी वन होती है। अगर बेटा इसकी वैल्यू अगर आपकी वन होती है, यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। भाई थीटा की जगह अल्फा बीटा गामा बी सी कुछ लगता है, तो सेक स्क्वायर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस का टेन स्क्वायर बी आ जाएगी। अब यहाँ देखो बेटा, अब सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस का टेन स्क्वायर आपका ये आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा ये हमारा टेन स्क्वायर बी ऐसा लिखा रहेगा। ये बेटा आइडेंटिटी फॉर्म में आई होगी। अब इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, उसका जाएगा ये आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू हमारा ये टेन स्क्वायर बी आ जाएगा। ए लिखा है यहाँ पर यार, ये ए आपका हो जाएगा। मार्कर चेंज करते हैं, भड़कता भड़कता मार्कर लेके आते हैं इंग्लिश में हो बस बेटा। जैसे अब इनका अंदर करोगे मल्टीप्लाई, कितना आपका आ जाएगा, माइनस आ जाएगा टेन स्क्वायर बी आ जाएगा। आपका सीधा जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू ये टेन स्क्वायर आपका बी आ जाएगा। हमने क्या किया, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, बी को अंदर अपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब कितना जाएगा, ये आपका जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस का ये आपका जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी आपका आ जाएगा। जैसे अगर ब्रैकेट ओपन करके कितना माइनस कर, माइनस का आ जाएगा टेन स्क्वायर बी आ जाएगा, और माइनस कितना जाएगा ये हमारा जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी आ जाएगा। भाई ये माइनस में प्लस में आपस में कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, हमें कितना बचेगा, हमारा बचेगा ये टेन स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर बी। ये बेटा मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया था, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर ही सॉल्व होगा। तो देखो मल्टीपल चॉइस में आया था तो इतना आपको करके निकालोगे ना, ऐसे इतना कैसे याद कर ले जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आया होगा। अपने हम सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पे चलते हैं। भाई लिखो मिटा लो, विस्थापन तो हम लोग का शून्य होता है ना। विस्थापन शून्य कैसे होता, सुबह उठते हैं पूरा व्हाइट बोर्ड रहता है, जब रात में क्या, जब 2-3 बजे सोते हैं तभी व्हाइट बोर्ड करके ही सोते हैं, तो जितना वर्क करो वर्णन हमारा 0 यहाँ पर जाता है। बड़ा मार्कर देते हैं दूसरा, ब्लू मार्कर्स करते हैं, थोड़ा ब्लू मार्कर यूज करते हैं। बात करते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है कि अगर sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर, अब बड़ा का x दे रखा है, sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर आपको x यहाँ दे रखा है, तो कह रहा है हमको प्रूव करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल आपका 1/x हो जाएगा। कैसे होगा बेटा, हम क्या करेंगे, sec थीटा माइनस के tan थीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जब बेटा कॉन्जुगेट से करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका देखा जाएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा, ये आपका ऐसे लिखा रहेगा। इनका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, sec थीटा प्लस का tan थीटा आपका आ जाएगा दोस्तों। और ये x आपका ऐसे लिखा जाएगा। बट देखो अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किए हो
तो इससे हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब का जाएगा ये आपका जाएगा सेक थीटा, ये प्लस का आपका ये टेन थीटा आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। बेटा ऊपर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, तो इतना आपका जाएगा ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये बेटा हमारा ऊपर बन जाएगा अपान में कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा आ जाएगा। ये बेटा एक्स आपका ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, ये बेटा ये अभी ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी वन हो जाएगी, तो कितना जाएगा ये हमारा जाएगा वन अपान का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर आपका यहाँ पे एक्स आ जाएगा, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम वन अपान एक्स लिख सकते हैं। ये जादू कैसे हुआ, हमने एक्स को इनके जगह भेज दिया और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक्स की जगह पर हमने दोनों का मान एक्सचेंज कर लिया, ये आपका आ जाएगा। तो बेटा हम ये लेके चले थे, हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखो इधर ये आपका ऐसे बेटा क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रूफ वाला आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है अगर प्रूफ हो जाए तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, बेटा इतना समझ में आपको यहाँ पर आ गया होगा। इसको हम लोग रफ करते हैं, इसके कहानी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो हमको गिवन क्या था, हमको ये गिवन था, हमने प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ किया sec थीटा प्लस वन अपान का tan थीटा ए सॉरी sec थीटा प्लस का tan थीटा, सफा सफा लिखते हैं sec थीटा प्लस का tan थीटा की वैल्यू वन अपान का x आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो जो प्रूफ कर चुके ये वाला समझ में आ गया होगा ना, सिर्फ क्या करना है sec थीटा माइनस tan थीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, हमने कर दिया, सॉल्व करोगे आपका इतना आ जाएगा। अब देखो इधर ये इसको रफ करते हैं, हमको वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, हमको साइन साइन और टेन की कॉस की वैल्यू चाहिए। तो क्या करो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन मान लेंगे, इसको इक्वेशन टू मान लोगे, हम क्या करेंगे इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से माइनस करेंगे, कितना जाएगा ये आपका आ जाएगा sec थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल आपका एक्स आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन एक आ जाएगी, ये कितना जाएगा sec थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल वन अपान के एक्स आ जाएगा। जब बेटा इक्वेशन ऐड करोगे, जब इक्वेशन हम लोग ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा, एक मार्कर चल जा भाई, चलो इसको यूज करते हैं, इंक डालना भूल गए, ये मेरी लापरवाही है। बेटा क्या करेंगे देखो माइनस टेन प्लस टेन जब इक्वेशन ऐड करोगे, हाँ इक्वेशन ऐड करेंगे माइनस नहीं ऐड करेंगे, इक्वेशन ऐड करोगे आ जाएगा ये वाला बेटा पूरा हमारा कट जाएगा, ये हमारा कितना जाएगा, ये हमारा टू sec थीटा इक्वल कितना आ जाएगा एक्स प्लस का वन अपान का एक्स आ जाएगा। भाई एक्स को वन अपान एक्स ऐड कर लोगे, ठीक है बेटा इनको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तब का ये टू sec थीटा हमारा ऐसे लिखा रहेगा, इनका जब करोगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपान का एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा ना बेटा। अब क्या करोगे टू ऐसे लिखा रहेगा, sec को वन अपान का cos थीटा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपान का ये एक्स आ जाएगा। भाई cos थीटा की निकालोगे वैल्यू तो इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा ये हमारा जाएगा टू एक्स अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का वन आ जाएगा, और ये हमारा बेटा cos थीटा आ जाएगा। भाई cos थीटा की वैल्यू इतनी आई है। अब देखो बेटा हमको 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 क्या पता है, हमको ये पता क्या पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है, तो हमको साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, या कॉस थीटा हमको कॉस की तो वैल्यू मिल गई ना, हमको साइन की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हम लोग साइन निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना बेटा आपका आ जाएगा ये वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, या साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट वन माइनस का कॉस थीटा की वैल्यू को स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा टू एक्स अपान का एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। भाई क्या हो जाएगी ये हमारी साइन थीटा की
वैल्यू आपकी यहाँ पर ही आ जाएगी। दोस्तों इसको थोड़ा सॉल्व करना, सॉल्व करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो इधर जब सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा संख्या ऐसे आपका रहेगा। अच्छा रूट में क्या आ जाएगा, वन ऐसे रहेगा आपका, भाई टू एक्स के स्क्वायर करोगे आपका फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा पूरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, और पूरे पे यहाँ पर रूट लगा रहेगा। इनका एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, आप लोग की परमिशन बेटा हो प्लस इसको यहाँ पर इतनी जगह बची है, इतने में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके इसके आगे कहानी हम लोग यहाँ करेंगे। तो ये साइन थीटा आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा भाई, इनका जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऐसे रहेगा, ये आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का फोर एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो देखो बेटा नीचे इसके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर रहेगा। बेटा इनके स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर पूरा आपका हट जाएगा, तो नीचे उसका ऊपर रहेगा रूट रहेगा और नीचे रूट पर आ जाएगा आपका, जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का फोर स्क्वायर आपका आ जाएगा, या आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर जाएगा। भाई ये साइन थीटा की इतनी वैल्यू आपके यहाँ पर आ जाएगी, भाई कॉस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू इसको अभी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से वन करोगे तो एक्स की पावर फोर प्लस का वन और प्लस का टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके आगे सॉल्व हो सकती कहानी है, सॉल्व कैसे कहानी होगी, अगर बेटा आप लोग की परमिशन हो तो ये दो क्वेश्चन ऊपर रफ करते हैं, इसके कहानी हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, बाकी सॉल्व तो कराएंगे बेटा, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं कराएंगे, सॉल्व नहीं कराएंगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर। अब देखो इधर ये साइन थीटा बेटा आपका यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, अब देखो इसको हमने एक्स ये ऊपर ऊपर पूरे रूट रहेगा ऐसे रूट रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा, आ जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वन का स्क्वायर वन रहेगा, और ये प्लस का टू एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, टू ए भी आपका आ जाएगा, बी की वैल्यू वन है तो ये आपका जाएगा, और माइनस का फोर एक्स स्क्वायर ये बेटा आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब देखो नीचे कितना रहेगा, नीचे हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वन का, बेटा यहाँ से जब स्क्वायर से ये स्क्वायर पूरा आपका हट जाएगा ना यहाँ से, एक्स स्क्वायर ऐसे यहाँ पर रहेगा। अब देखो इधर ये साइन थीटा आपका ऐसे लिखा जाएगा, कुछ इसका फॉर्मूला बनेगा, देखो कैसे बनेगा इधर बेटा यहाँ देखो, ठीक है एक्स की पावर फोर प्लस वन ऐसे लिखा जाएगा, ये एक्स की पावर फोर प्लस वन आपका ऐसे लिखा जाएगा, बट टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर बचेगा, तो नीचे कितना रहेगा, नीचे हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो इधर इतने पर और अपान में आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वन ऐसे लिखा रहेगा। अब बेटा यहाँ देखो ये एक्स एक्स की पावर फोर कम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो और प्लस इसको वन का स्क्वायर लिख लो और माइनस का टू इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए भी आपका आ जाएगा, तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का ये होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये रूट आपका बेटा ऐसे लिखा रहेगा, कितना जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वन आ जाएगा। भाई स्क्वायर से रूट पूरा आपका हट जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्यों बेटा, स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई देखो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई थी, हमने साइन थीटा की वैल्यू ये निकाली, सॉल्व यहाँ पे सॉल्व किया कि इतना बड़ा सॉल्व किया, ये क्या साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, एग्जाम में आ जाएगा, तो उड़ने तय हैं। अगर आपने क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं किया है तो आपके चिड़िया उड़ जाएगी, अगर क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं करोगे तो चिड़िया ना उड़े, इसके लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, वरना गाना गाओगे चिड़िया उड़ तोता उड़ मैं ना उड़। बेटा हम लोग इसके हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये वाला हम लोग यहाँ पर ये वाला भी रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आसान क्वेश्चन है। देखो मुझे क्वेश्चन याद थोड़ा था कि इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, भाई मुझे अच्छा लगा मैंने इसको लिख लिया, अब मैं आपको करा रहा था तो यहाँ लगा और सॉल्व होगा तो वहाँ भी सॉल्व किया, वरना आधे लोग कहते सर आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो क्योंकि उसका खुद तो करना होता नहीं है। देखो कह रहा है कि कॉस टू ए प्लस का वन अपान कह रहा है वन माइनस का कॉस टू ए, इक्वल हमको दिखाना है ये,
ये कॉट स्क्वायर एक के इक्वल होगा। भाई देखो कॉस 2a के तीन फॉर्मूले होते हैं, जितनी बार बताऊंगा उतनी बार लिखाऊंगा। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a आपका फॉर्मूला होता है। बेटा इस कॉस को जब साइन में चेंज करोगे, इस बेटा इस कॉस स्क्वायर को साइन चेंज करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर आपका कॉस टू ए का ये फॉर्मूला एक होता है। अब देखो बेटा इस साइन को जब कॉस से इस बेटा ये वाले साइन स्क्वायर को जब कॉस स्क्वायर में चेंज करोगे तो आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस टू ए का बेटा फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है। ठीक, ये तीन फॉर्मूले होते हैं। बेटा हमको ये प्लस वाला वन यहाँ से गायब करना है, जब गायब करना हो तो इसके लिए कौन सा फॉर्म लगाओगे, इसके अंदर फॉर्म लगाएंगे कॉस टू को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहली बात हम यहाँ पर एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस ले लेंगे, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, दो मिनट बेटा मार्कर अच्छा अच्छा उठाते हैं। तो ये बेटा फॉर्मूला देखो हमको माइनस का वन कब मिलेगा, जब हम कॉस टू की जगह क्या पुट कर दें, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन। भाई देखो कॉस टू ए की वैल्यू ये होती है, ये होती है ना, तीनों वैल्यू होती हैं, लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए हम लोग वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, ये वाली कॉस टू ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन जब पुट करोगे तो कोई माइनस का वन आ जाएगा। अपान में यहाँ देखो हमको ये प्लस वाला वन गायब करना है तो हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। अच्छा देखो इधर ये वाला प्लस वन तो हम लोग लिखेंगे ना यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो हमको ये प्लस वाला वन गायब करना है तो इसको कैसे पुट कर, देखो ये प्लस का वन ऐसे लिखा रहेगा और माइनस रहेगा, अब कॉस टू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। भाई मैंने क्या किया है, कॉस और साइन की वैल्यू पुट कर दी है। अब बेटा यहाँ देखो ठीक ये माइनस वन प्लस वन आपस में कट जाएगा तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। बेटा ये वन ऐसा रहेगा माइनस कैसे रहेगा, ये जैसे बेटा ब्रैकेट आप खोलोगे तो आपका प्लस का हो जाएगा टू साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। भाई माइनस वन प्लस आपस में कट जाएगा, अब टू कितना जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए अपान कितना जाएगा, टू साइन स्क्वायर ए आपका आ जाएगा, टू से टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा कॉट कॉस अपान साइन का कॉट आपका होता है तो ये कॉट स्क्वायर आपका यहाँ पर ए आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखो जो बेटा हम प्रूव करना था ये हमारा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। भाई इन तीन फॉर्मुलों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूले आते हैं तो भाई देखो वन हमको देखो कभी कभी बेटा इस टाइप का सवाल आता है ना तो ये वन हमको यहाँ से गायब कर दो आपका आंसर आ जाएगा। हमने वन कैसे गायब किया, भाई देखो हमको माइनस का वन इसमें मिलता है तो हमने ऊपर कॉस रखा टू कॉस कॉस टू ए की जगह हमने क्या रखा, टू कॉस स्क्वायर माइनस का वन रखा, तो नीचे वाले में हमको प्लस वाला वन गायब करना था तो हमने ये वाला रखा है ना, ये साइन रखा। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे तो बेटा अगले अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये वाले बेटा फॉर्मूले जब हम लोग के टाइम वाले फॉर्मूले हैं, सवाल दिए गए हैं तो अब आप लोग को हम करा रहे हैं। ठीक, ये वाला भी हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं तो आंसर नंबर फोर क्या हो जाएगा, इधर देखो जरा सा इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू ए का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ध्यान दो इधर आपका फॉर्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, ये बेटा फॉर्मूला होता है। आंखें बंद हो रही हैं, रात के 2 बजे हैं, कल क्लास है 9 बजे पढ़ाना है, लेकिन ठीक है फिर भी। अब बेटा देखो सवाल क्या दिखाना है, हमको दिखाना है ए साइन ए प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको हमको दिखाना है कि वन प्लस साइन टू ए के इक्वल हो जाएगा, भाई टू ए लिखा है। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉर्मूले को ध्यान रखना क्योंकि ये फॉर्मूला इसके हिसाब का यूज हो जाएगा। भाई इनको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे तो भाई हमें एल एच एस यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले ले लेंगे, ये कितना आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, मतलब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम लोग ओपन कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा ये टू साइन ए इंटू आपका ये कॉस ए आ जाएगा, इसकी वैल्यू बेटा आपकी पूरी पूरी वन आपकी आ जाएगी, वन आ जाएगी। और यहाँ देखो साइन साइन ए टू साइन ए कॉस ए आपका साइन टू आपका हो जाएगा तो साइन टू ए आपका आ जाएगा, ये बेटा जो हमको प्रूफ होना था आपका आ गया। दो दो लाइन के आंसर यहाँ पर है आपके, इसको हम लोग रफ करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये वाला छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, भाई देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है ना
तो आपको सवाल लगाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, आएगा लेकिन इतना आसान आंसर आपको नहीं आ पाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ में आया होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, 5 मतलब ये वाला क्वेश्चन। कह रहा प्रूव दैट, कह रहा कॉस ए अपान का 1 माइनस का टेन ए, कह रहा है ये मुझे रखा है साइन स्क्वायर ए, कह रहा है कॉस ए माइनस का साइन ए। हमको दिखाना है कि साइन ए प्लस कॉस ए के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, देखो हम एलएचएस वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, आरएचएस लेके आएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, एलएचएस यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं। पर देखो अब ये तो कॉस अपान साइन बन रहा है, टेन को हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो बेटा ये कॉस ए आपका ऐसे लिखा रहेगा, ठीक 1 माइनस का टेन को हम साइन ए अपान का कॉस ए भी ले सकते हैं। माइनस यहाँ देखो ये आपका साइन स्क्वायर है बेटा, ऐसा लिखा रहा है, इससे अभी हम कोई भी खुराफात नहीं करेंगे, ये कॉस ए माइनस का साइन ए आपका आ जाएगा। भाई देखो इनका एलसीएम ले लो, तो ये बेटा कॉस ए आपका ऐसे लिखा रहेगा, कितना जाएगा कॉस ए माइनस का, ये आपका साइन ए आ जाएगा, अपान पूरे में क्या आ जाएगा, पूरे में हमारा कॉस ए आ जाएगा। भाई मैंने क्या किया है, इनका एलसीएम बेटा ले लिया है, कॉस ए का मल्टीप्लाई वन से करोगे तो कॉस ए माइनस का साइन ए आपका हो जाएगा, अपान कॉस हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन है। अब बेटा क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर है, अपान क्या आ जाएगा, ये आपका कॉस ए माइनस का साइन ए आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो कॉस ये सबसे नीचे वाला सबसे सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कितना जाएगा ये हमारा जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, अपान कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा बेटा कॉस ए माइनस का साइन ए आ जाएगा, माइनस यहाँ लगा रहेगा, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान का कॉस ए माइनस का साइन ए आ जाएगा। भाई देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम दे रखा है, तो अगर सेम आपको बैठा जाएगा यहाँ कितना जाएगा, देखो इधर ये आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर आपका ये बेटा ए आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले खोल लेंगे, तो आपका एक बार प्लस में आ जाएगा, तो कॉस ए प्लस का ये साइन ए आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए आ जाएगा, आ जाएगा इधर। अब ये कितना जाएगा, ये आपका कॉस ए माइनस का साइन ए आपका यहाँ लिखा रहेगा, ये बेटा पूरा स्वाहा हो जाएगा, आंसर कितना जाएगा, ये हमारा कॉस ए प्लस का साइन ए आपका आ जाएगा। ये बेटा इसको हमने क्या किया है भाई, कॉस स्क्वायर है माइनस ऐसे लिखा है, हमने इसको ए प्लस ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर फॉर्मूले से खोल लिया है, आपका ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग निपटा लेंगे। अपने हम छठे क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 क्वेश्चन की ओर। राजा बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ हमको बेटा कह रहा है टेन ए बराबर हमको दे रहा है एन, हमको एन दे रखा है, ये कह रहा है क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि ये एन आपका क्या हो जाएगा, ये टेन बी दे रखा है, कह रहा है टेन ए इक्वल हमको एन टेन बी दे रखा है, ठीक है क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए हमको दे रखा है, ये एम साइन बी यहाँ दे रखा है। अब बेटा यहाँ देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, कैसे करेंगे इसको, यहाँ से बेटा अगर हम बी की वैल्यू निकालते हैं तो टेन बी कितना आपका आ जाएगा, ये टेन बी आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये टेन ए बेटा और अपान का इसके एन इसके अपान चला जाएगा, एन ए अपान का एन आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा 1 अपान का ये टेन बी को हम 1 अपान का कॉट भी ले सकते हैं, ये कॉट भी आपका आ जाएगा, तो इतना जाएगा ये हमारा जाएगा, ये ऐसे लिखा रहेगा, कितना लिखा रहेगा टेन ए अपान का, टेन ए अपान का एन आ जाएगा। तो बेटा कॉट बी की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, तो कॉट बी हमारे हिसाब से इतना आ जाएगा एन अपान का टेन ए आ जाएगा, ये बेटा हमारा कॉट बी आ जाएगा। अब यहाँ देखो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे,
तो ये बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ से हैं तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखो इधर साइन बी की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, साइन बी बेटा हमारा जाएगा साइन ए अपान कितना जाएगा, ये हमारा एम आ जाएगा। भाई देखो इसको हम कॉसेक भी बनाएंगे, तो कॉसेक भी कितना, देखो ये वन अपान का ये साइन को हम कॉसेक लिख सकते हैं वन अपान, तो बी तो आपका बी आ जाएगा, कितना जाएगा ये आपका आ जाएगा ये साइन ए अपान का एम, ऐसे लिखा रहेगा। तो भाई कॉसेक बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉसेक बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी एम अपान का साइन ए आ जाएगा। भाई देखो इतना आपको आना चाहिए, भाई ये सवाल दमदार सवाल है, अगर नहीं किया है तो फिर एग्जाम में सीटी बजनी तय है। ये बेटा आरडी शर्मा का सवाल है, जब मैंने इस सवाल को ट्रिग्नोमेट्री में कराया है और जब कहा था कि बेटा क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में आ सकता है, तो कभी आया होगा तो हमको मिला है प्रीवियस ईयर में, तो उसको अब यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं। अब देखो बेटा आपने आईएनटी क्या पढ़ी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका बेटा वन होता है, इतने में दिक्कत नहीं चाहिए। तो थीटा की जगह बेटा हम लोग बी लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये भी आपका यहाँ पर बी आ जाएगा। अब देखो इन दोनों की वैल्यू पुट कर लो, तो कॉसेक बी की जगह तो हो जाएगा एम स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस का, यहाँ देखो कॉट बी की जगह जाएगा एन स्क्वायर आपका आ जाएगा और आ जाएगा टेन स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा। बेटा एलएचएस यहाँ पर अभी यहाँ पर लिया गया है, अब देखो प्रूफ हम दिक्कत है यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, इसको बेटा अभी यहाँ पर ऐसे ही बन रहने दो। अब यहाँ देखो टेन स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर में ले सकते हैं, तो ये एम स्क्वायर बेटा ऐसे रहेगा आपका, तो ये आपका साइन स्क्वायर ये ऐसे लिखा जाएगा, एन स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा। यहाँ देखो टेन स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए अपान का कॉस स्क्वायर ए ले सकते हैं, भाई सबसे नीचे तक सबसे ऊपर चला जाएगा, ये आपका यहाँ पर आपका वन ऐसे लिखा जाएगा, तो कितना जाएगा ये हमारा जाएगा एम स्क्वायर अपान का आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ये आ जाएगा, और माइनस यहाँ लग जाएगा। बेटा कॉस स्क्वायर ये सबसे ऊपर जाएगा, कितना जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये अपान कितना जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ये आ जाएगा, साइन स्क्वायर आपका ए आ जाएगा। बेटा अगर आपकी परमिशन हो तो इसके आगे कहानी हम लोग इधर यहाँ पर लिखते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन रफ करते हैं, ये तो हो गए ना, हो गए उनका दूध भात। अब यहाँ देखो ये बेटा देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम लग रहा है, देखो यहाँ पर सेम अगर है क्या आ जाएगा पूरे में हमारा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और कितना आ जाएगा ये हमारा जाएगा एम स्क्वायर माइनस का ये बेटा आपका आ जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। बेटा इस साइन वाले स्क्वायर को हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आपका आ जाएगा एम स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आपका जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो हमको कॉस स्क्वायर ए चाहिए, तो हम साइन स्क्वायर ए को कॉस वन माइनस का कॉस स्क्वायर एम इसको हम लिख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा ये एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर ये हमारा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो इधर इसको हम वन माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, भाई कॉस को इस साइड भेज देंगे और वन वाला भाई साहब को उससे चला जाएगा, कितना आपका जाएगा एम स्क्वायर, जब बेटा ये वन वाला आपका जब बाई हो जाएगा तो माइनस का वन आ जाएगा। बेटा ये माइनस का एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए जब दाई ओर आएगा तो प्लस में आपका आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर कितना जाएगा एन कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस कितना जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर आपका ए यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत, हमने एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए को ये माइनस वाला टर्म बेटा दाई ओर आएगा आपका प्लस में हो गया, वन आपका जब जाएगा बाई ओर तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो इनसे हम क्या करेंगे, इनसे बेटा हम सिर्फ कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा एन स्क्वायर माइनस का वन बचेगा, भाई दोनों में कॉस स्क्वायर ए कॉमन जाएगा इसके इंटू में वन रहेगा यहाँ पर, तो एन स्क्वायर माइनस का वन आपका बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा जाएगा बेटा एम स्क्वायर माइनस का वन आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस का वन,
ये बेटा एन स्क्वायर माइनस का वन इनके अपान में जाएगा, तो इधर जाएगा एन स्क्वायर माइनस का वन, ये हमारा आंसर जाएगा। देखो बेटा यही प्रूव करना था, तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाएगा, नहीं करे होगे तो कर नहीं पाओगे। और 2016 वाले या 17 वाले किसी में भी क्वेश्चन ये आपका आया है, मुझे क्वेश्चन मिला प्रीवियस ईयर में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अगर ये सीरीज अच्छी लगती है तो अब बोल रहा हूँ सिर्फ एक बार, ठीक। तो बेटा अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आपके जो क्लासमेट्स हैं, जैसे जो आपके रिलेटिव हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, तो टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।